वेलकम गाइस एंड गर्ल्स, ट्यूटोरियल्स गुरु की इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं गुरु और आप लोगों के लिए आज लेके आया हूं दो अनबॉक्सिंग रिव्यू। तो लॉकडाउन चल रहा है, पूरा देश का हालत खराब है, पर घर में बैठ के गेम खेलने का शौक किसको नहीं है, सबको है, मुझे भी है, आप लोगों को भी होगा। पर गेम खेलने के लिए प्रॉपर एसेसरीज होना चाहिए, सिर्फ पीसी अच्छा होता है ऐसा नहीं है, उसके साथ कीबोर्ड माउस ये सब भी अच्छा होना चाहिए। सो गाइस, आज जो रिव्यू करने वाले हैं, एक है कीबोर्ड और एक है माउस, दोनों गेमिंग कीबोर्ड और माउस के नाम से बेची जाती हैं और जिसको मैंने अमेजोन से खरीदा है। यह है आज का कीबोर्ड, जो है रेड गियर का ब्लेज कीबोर्ड है और इसका कॉस्ट अराउंड 1099 आसपास, 1100 रुपए के आसपास है। और उसके साथ है मेरे पास आज HP का गेमिंग माउस जो है M220 इसका मॉडल है। तो दोनों का आज अनबॉक्सिंग करते हैं पहले और उसके बाद देखते हैं। हालांकि अनबॉक्सिंग करते करते मैं आपको कुछ डिटेल दे देता हूँ। गेमिंग जो लोग खेलते हैं नॉर्मली, उन लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि जो की स्ट्रोक होता है वो थोड़ा मतलब रियलिस्टिक होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में सेकंड पार्ट में मैं थोड़ा जाऊंगा, जहां पे आपको बताऊंगा कि कीबोर्ड की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। फिलहाल तो इस कीबोर्ड को निकालते हैं, हालांकि दुकान से लाने टाइम में एक बार ओपन किया था, लेकिन आप लोगों को सिर्फ दिखा रहा हूँ। काफ़ी वेट है इसमें, काफ़ी हैवी वेट है। सो ये है हमारा कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड, और रेजर ब्लेड इसका जो है वर्सन 3 है। और इसका जो आप ही देख सकते हैं, कीज का जो साउंड आ रहा है ये थोड़े मैकेनिकल टाइप्स के साउंड है, और ये कीज के बीच में जो डिफरेंस है इसकी वजह से ये साउंड आता है। हालांकि ये है मेम्ब्रेन कीबोर्ड, लेकिन इसका जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर जिस तरीके से बना है उस तरीके से उसमें क्या होता है कि थोड़ा साउंड आता है। और इसके लिए ये जो है आपको जब खेलते हैं ये टाइम करते हैं तो आपको पता चलता है कि कितने प्रेशर में दबेगा, मतलब आपका जो घोस्टिंग होता है, घोस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप की नहीं दबाते हैं फिर भी कभी कभी गेम में ऐसे इफेक्ट आता है कि वो की दब गया हो, आप फायर बटन दबाना नहीं चाहते हैं। मान लीजिए आप कॉल ऑफ ड्यूटी या कोई मल्टीप्लेयर गेम खेल रहे हैं और आप फायर बटन दबाए नहीं हो और कहीं फायर हो गया, तो उसको बोलते हैं घोस्टिंग। उस टाइप के चीज़ों से ये कीबोर्ड एकदम सेफ है, तो इसके हिसाब से इसको बनाया गया है। हालांकि इस प्राइस रेंज में मैं बोलूँगा ये गेमिंग कीबोर्ड के हिसाब से एकदम बढ़िया है। और इसका कंस्ट्रक्शन जो है मैं देख रहा हूँ कि टॉप का जो ये देख रहे हैं प्लेट है, ये एल्यूमिनियम का बना है, पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम है। लेकिन नीचे का जो पार्ट है ये सब देख रहे हैं ये सब प्लास्टिक है, और ये तो दिया है आपको लिफ्टिंग करने के लिए, सामने से लिफ्ट करने के लिए। और जो टेक्नोलॉजी इसका मैं डाटा शीट अभी देख रहा था इस पर कि अंदर इसका मेम्ब्रेन की फ्रेम है। मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि जब भी हम इसको दबाते हैं तो नीचे उसके एक इलेक्ट्रॉनिकली एक सर्किट होता है जो इसके प्रेशर से उस शॉर्ट होता है, और उस के नीचे जो की को असाइन किया जाता है, यानी कि मैं अगर ए दबाता हूं तो ए के नीचे ए का सर्किट को जो है असाइन किया जाता है, तो वो कंप्यूटर में ए हो जाता है। और इसका जो केबल का क्वालिटी देख रहे हैं वो बेहतरीन है। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग फेराइट बीड। नॉर्मली क्या होता है घर में ज़्यादातर इंटरफेरेंस रहता है, तो कभी भी क्या होता है कि घोस्टिंग होता है, तो ये चीज़ इसमें है। और सबसे बड़ी बात है ये बैकलिटेड है, बैकलिट में आप कुछ देर में आपको पैनिंग करके दिखाऊंगा इसको ऑन करके। इसमें 3 कलर हैं, तो आप 3 कलर कर सकते हैं, उसको आप कलर में ट्रांजिशन भी कर सकते हैं, उसका ब्राइटनेस लेवल्स भी आप चेंज कर सकते हैं, ये सब भी है। और एक चीज़ है, कभी कभी आप गेम खेलते हैं विंडोज़ पे तो क्या होता है कि एंटीवायरस हो या कोई भी बैकग्राउंड का कोई सॉफ्टवेयर हो जो कि पॉपअप होके आ जाता है, तो उस टाइम आपको एकदम मतलब बर्बाद सा लगता है क्योंकि गेम बीच में पॉज हो जाता है। मल्टीप्लेयर अगर ऑनलाइन खेल रहे हैं तो और भी मुश्किल है, उस टाइम गेम में क्या हो जाता है पता नहीं चलता है। तो इसमें वो लॉक सिस्टम है, विंडोज़ लॉक जिसे कहते हैं, तो विंडोज़ लॉक में ये फैसिलिटी है कि जब भी आप गेम खेल रहे हैं तो अगर उस की को आप दबा देते हैं विंडोज़ लॉक की को, तो वो आपका गेम चलते चलते बैकग्राउंड में जो भी सॉफ्टवेयर है उसको पॉपअप होने नहीं देगा, तो ये चीज़ है। तो दूसरा हमारे पास है आज HP का गेमिंग माउस M220। हालांकि मैं आपको दिखा देता हूं पहले, ये देख रहे हैं माउस, तो इसके साथ कुछ गिर गया, मैनुअल्स दिया है, प्रोडक्ट सपोर्ट,
ये पता नहीं चाइनीज़ में क्या है, मेरे ख्याल से वारंटी कार्ड ही है। तो ये HP का माउस आप लोग देख रहे हैं, M220 इसका मॉडल नंबर है। हालांकि साइज के हिसाब से नॉर्मल माउस से ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन वेट ज़्यादा नहीं है। और इसका जो देख रहे हैं आप लोग अभी, जो की स्ट्रोक में देख रहा हूँ यहाँ पे, नॉर्मल माउस के जैसा ही है। गेमिंग माउस जो होता है इससे थोड़ा बड़ा होता है, और जो उसका की स्ट्रोक्स होते हैं वो थोड़े बेहतरीन होते हैं। हालांकि इसको परफॉर्मेंस तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 5 वोल्ट 100 mA है। हाँ, तो ये चीज़ है। और इस पर थोड़ा जूमिंग आउट के लिए, तो शायद मुझे लग रहा है मोटा मोटी ये बिगिनर गेमर जो है उन लोगों के लिए सही रहेगा, लेकिन प्रोफेशनल गेमर जो है उन लोगों के लिए अभी भी ये माउस नहीं है। और इसका कीमत अराउंड 800 के आसपास मुझे आया था। MRP इसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सेल चल रहा था अमेजोन में उस टाइम मुझे मिल गया था ये 899 रुपीज़ में, मुझे जितना मान लो याद है 899 में ये दोनों चीज़ मिला था मुझे। तो ये दोनों चीज़ को मैं अभी कंप्यूटर से कनेक्ट करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं। आप अभी जो यहाँ पे देख रहे हैं ये इस कीबोर्ड का अंदर का मैं फोटोग्राफ है, जो कि मतलब की को बटन को निकालने के बाद लिया जाता है। तो ये अंदर जो ग्रीन लाइट आप जला हुआ देख रहे हैं, इसके नीचे एक LED होता है जो बैकलाइटिंग के लिए यूज होता है, और उसके ऊपर जो की होता है वो यहाँ पे जाकर टच करता है। तो यहाँ पे एक प्रेशर पैड है, जो प्रेशर पैड दबते ही नीचे का जो मेम्ब्रेन है वो प्रेस हो जाता है, और मैंने जैसा कहा था कि वो सर्किट शॉर्ट होने के बाद वो की जो है, वो जो असाइंड की है, वो कंप्यूटर में आपका भेजा जाता है कि ये की काम करने वाला है। और आपको अगर और डिटेल्स में देखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका लैपटॉप में नॉर्मली इस टाइप के कीबोर्ड कीज रहते हैं, ये भी एक टाइप के मेम्ब्रेन की कीज ही है। और ये देख रहे हैं आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये है उनका सर्किट से, जो कि इस मेम्ब्रेन पे जो एक फ्लेक्सिबल टाइप का बोर्ड होता है, और वो इस पे आपका ये जो देख रहे हैं एक मेटल शीट के ऊपर ये प्लेस होता है। हालांकि इसका नीचे वाला पार्ट जो हमेशा इंसुलेट ही रहता है, ऊपर वाला पार्ट जो है सर्किट है। और ये वाला बटन जब इसके ऊपर आके आप प्रेस करते हो तो वो असाइंड कीज जो यहाँ पे देखते हैं वो प्रेस होता है, और वो वाला की जो है आपका काम करता। तो ये है टेक्नोलॉजी आपका कीबोर्ड का काम करने का। कीबोर्ड्स नॉर्मली जब पहले आए थे 1980s में, पहले ही ये कीबोर्ड आए थे, तो उस टाइम तीन प्रकार के कीबोर्ड थे जो आप टाइपराइटर पे देखा थे, एकदम मैकेनिकल कीबोर्ड थे। उसके बाद ये देख रहे हैं आप लोग अभी जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड हमारे आजकल के ये में यूज होता है, और तीसरे टाइप के कीबोर्ड जो देख रहे हैं वो हमारे पुराने टाइप के कैलकुलेटर्स में यूज होता था, जहाँ पे आप दबाते ही एक क्लिक आप महसूस करेंगे। उसको बोलते हैं चिकल कीबोर्ड बोला जाता था। उसमें क्या होता है कि नीचे जो है थोड़ा मैकेनिकल पार्ट अलग रहता था, उसका कंस्ट्रक्शन अलग रहता था, और वो आजकल इस लो एंड टेक्नोलॉजी में भी यूज होना बंद हो गया। हालांकि पुराने कैलकुलेटर्स अगर आपके घर में होंगे तो आप जब दबाएंगे उसमें रबर जैसा एक की रहेगा, रबर जैसा की, लेकिन हमें पता है कि रबर की ज़्यादा दिन टिकते नहीं है, प्लास्टिक की कीज आजकल कॉमन ट्रेंड में चल रही हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग जो है कीज आजकल मेम्ब्रेन का ही बन चुका है टोटल, लेकिन पहले ये चिकलेट का कीबोर्ड जो होता है, चिकलेट की कीबोर्ड टेक्नोलॉजी में भी काम करता था। तो ये जो अभी मैं दिखा रहा हूँ ये थोड़ा सेमी मैकेनिकल है, थोड़ा मैकेनिकल वाला फीलिंग है, लेकिन अंदर का टेक्नोलॉजी जो है मेम्ब्रेन कीबोर्ड ही है। इसको चलिए चेक करते हैं और देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स कैसा है, बाकी सब कैसा है। सो गाइज, मैं थोड़ा लाइट को ऑफ कर दिया हूँ ताकि आपको बैकलाइट जो है अच्छे से दिखे। मैक्सिमम गेमर जो होते हैं रात में खेलने या दिन में खेलने का ये होता है, लेकिन अंधेरे में हम लोग ज़्यादा खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो स्क्रीन से जो लाइट आता है वो हम लोगों को अच्छा लगता है। तो इसमें तीन बैकलाइट है, आप लोगों को अभी दिख रहा होगा, ये रेड है, और एक सिंगल की से ये अभी हो गया आपका स्काई ब्लू के आसपास हो गया, और फिर ये थोड़ा वायोलेट सा कलर है, आप पता नहीं, आप अंदाज़ा लगा लीजिए क्या कलर है ये है। और फंक्शन की के साथ अगर मैं इसको दबाता हूँ तो मान लीजिए ये अभी जो है इसका ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये तीन चार इफेक्ट दिए गए हैं इसमें, ओके। और यहाँ पे जो है इसका ब्राइटनेस कंट्रोल भी है, मान लीजिए ये मैंने ये किया और फंक्शन की को लगा के मैंने ब्राइटनेस भी कंट्रोल में यहाँ पे कर सकता हूँ। ये देख रहे हैं आप, मैं फंक्शन की को पकड़ के यहाँ पे पेज अप पेज डाउन जो है इसमें फंक्शन की को लेके ये दिया है। तो मोटा मोटी जो है आप इसको अगर यूज़ करेंगे ना तो आपको जो फीलिंग है वो एकदम अलग टाइप का आएगा। हालांकि मैं ज़्यादातर एडिटिंग करता हूँ तो मेरे पास अभी दिखाने के लिए गेम नहीं है, वरना मैं आपको गेम करके दिखा देता। ये HP माउस के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ये भी बैकलाइटेड है और इसका भी कलर चेंज होता रहता है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो
यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आगे जो की दिया रखा है इसको अगर मैं दबाऊंगा तो इसका मल्टीपल कलर चेंज होता रहता है। तो ये चीज़ है। और इसमें जो है आप लोग अभी देख रहे हैं जो कीज़ का स्ट्रोक है उसको दिखाने के लिए मैं कंट्रोल पैनल में आपको दिखा सकता हूँ। हालांकि मेरे पास गेम होता तो अच्छा होता, लेकिन मैं इसको अभी कंट्रोल पैनल में आप लोगों को दिखा दूंगा कि इसका जो स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ओके सो यहाँ पे मैं माउस का दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं माउस प्रॉपर्टीज में आप इसको डबल क्लिक और सिंगल क्लिक जब आप करते हैं तो उसका स्पीड क्या रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एकदम स्मूथली काम कर रहा है। तो लेकिन थोड़ा कभी कभी ये होता है, क्या होता है कि मैं जब भी दबाता हूँ तो ये घोस्टिंग होता रहता है, और खासकर राइट क्लिक जो इसका है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि मैं एक बार दबाता हूँ लेकिन ये बीच बीच में काम नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से ये गेमिंग के लिए परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन इस बजट में क्या बोला जा सकता है ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बहुत बताइएगा कि इसके ऊपर आप लोगों का क्या राय है। 1099 रुपीज़ में ये कीबोर्ड जो है मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि इसका जो लुक है, जो बैकलिट है, और इसका जो वर्किंग स्टाइल है, और इसका जो साउंड है ना, एकदम मन को छू जाता है। तो इस टाइप का ये जो है सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड ही मैं इसे बोलूँगा, हालांकि टेक्नोलॉजी मेम्ब्रेन की तरह ही है। दोस्तों मैं आपको एक वर्ड फॉर्मेट में आपको दिखाता हूँ। मैं नॉर्मली टाइप करता हूँ तो टाइपिंग में मेरा जो होता है कि नॉर्मल कीबोर्ड्स में थोड़ा मैं डिफिकल्टी फेस होता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप कितना जल्दी टाइप कर सकते हैं देख लीजिए। सब्सक्राइब मी दिस कीबोर्ड, मैं अभी अंधेरे में भी टाइप कर रहा हूँ और मुझे सब कुछ मतलब दिख रहा है। गाइज ये था आज का दो कीबोर्ड्स का और माउस का जो है रिव्यू है। माउस मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन कीबोर्ड जो है एकदम बेहतरीन है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर के नहीं किए हैं तो। अगर नहीं अच्छा लगा है तो भी बोलिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या और क्या चाहिए था आपके बारे में। मैं कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं कोई भी शॉप को आपको मतलब रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे जो प्राइस आया 1099 और 899 रुपीज़, ये दोनों का मैं प्राइस आपको बोल दिया हूँ। इस प्राइस रेंज में अगर आपको मिलता है या इसके आसपास मिलता है तो आप ले लीजिए, कहीं से भी ले सकते हैं। वारंटी दोनों का वन ईयर है, और बिल पे लीजिएगा तो अच्छी बात है। पूरा नेशनल वारंटी रहता है इसका। ऑल इंडिया में कहीं पर भी सर्विस सेंटर में आप इसको क्लेम कर सकते हैं। आगे का एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं किया था, फिर भी आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिल रहा है मुझे, और 400 सब्सक्राइबर हो गया है मेरे चैनल पे, तो उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरीके से आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए, और जो भी कुछ बोलना है मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आपका क्रिटिसिज्म और लव दोनों का स्वागत है, वेलकम है। तो मैं गुरु आपसे आज अलविदा लेता हूँ, बाद में और एक वीडियो लेके आऊँगा। तो कुछ दिनों के लिए बाय बाय, घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा, मास्क ज़रूर पहनिएगा, और अपने जो घर में बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं उनका ख्याल रखिएगा। तो चलिए लॉकडाउन की इस वीडियो के साथ मैं गुरु आप लोगों से विदा लेता हूँ। बाय।